हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि मैं ऑडिबल हूं। और अगर हम लोग बात करें गाइस विजिबिलिटी के बारे में बात करूं, अगर आपको वीडियो जो है वो सही से दिख रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है, और ऑडियो की अगर मैं बात करूं, जो मेरी आवाज़ अगर वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो आप एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता दें। तो गुड इवनिंग सारे बच्चों को, और एक बार मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं गाइस, उसके बाद हम लोग सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग डेज कवर करेंगे, और इस बार जो मैं डेज है वो मैं पीपीटी के थ्रू कवर करूंगा, ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा जल्दी कर पाएँ। थैंक यू नेचर एनिमल लव, थैंक यू गाइस, ठीक है ना, थैंक यू भाई। ज्योतिरादित्य, सागर, आसिफ, शीतल, अतुल, ऐश्वर्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल गुड। तो चलो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस टाइम आई एम लाइव, ठीक है ना, अभी मैं लाइव हूँ गाइज, ये रिकॉर्डेड सेशन कल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अनुराग सिंह है, और यहाँ पर बच्चे आप मेरा क्रेडेंशियल देख सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर हम बात करें, आप सारे बच्चे यहाँ पर मेरा क्रेडेंशियल देख सकते हैं, और आई होप सारे बच्चों को दिख भी रहा होगा बहुत अच्छे से। अब गाइज मैं बात करूँ, अगर हम लोग अनअकैडमी की बात करें, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अगर इसमें आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, तो आपको मेरा कोड यूज़ करने के बाद 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है। और अभी गाइस अगर मैं बात करूं, तो मैं 5 PM पे आपके साथ मिल करके डिस्कशन करता हूं, मंडे टू फ्राइडे हम ज्योग्राफी देखते हैं, ठीक है ना। और अगर गाइस मैं पॉलिटी की बात करूं, तो ये हम लोग देखते हैं 7 PM पे, और ये यूट्यूब पे नहीं होता है गाइस, ये आपको देखने को मिलता है प्लस में। और जो बच्चे प्लस में पढ़ रहे होंगे अगर पॉलिटी, तो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। गाइस जो बच्चे नहीं जानते, उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप सपोज़ करो, अगर आप प्लस पे आते हो, तो वहाँ पर जब एग्ज़ाम आएंगे, तो आपको क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। आप लाइव सेशन देख सकते हो, बट याद रखना, जो बच्चे अभी लेते हैं, तो उनको ये नहीं सोचना है कि मेरे पुराने लेक्चर्स निकल गए, या फिर आपके टेक्निकल के या फिर नॉन टेक के पुराने लेक्चर्स निकल गए, तो वो नहीं देख सकते। वो सारे पुराने रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, एज वेल एज जो करेंट में जो वीडियोस चल रहे हैं, जो कोर्स चल रहा है, उनको भी आप एसेस कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है जितने समय का, तो सारे कोर्स आप एसेस कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे दोनों ही मीडियम में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और हर 3 क्लास के बाद आपको डाउट क्लियरिंग सेशन देखने को मिलेगा। बट अगर गाइस मैं अपनी क्लास की बात करूँ, तो मैं आपका डाउट वहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, उसको मैं नेक्स्ट क्लास तक ले जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। बहुत ही हम लोग आराम से ऑफलाइन की तरह वहाँ पे पढ़ते हैं। और गाइस वीकली आपको यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा, और हर दिन आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे क्विज देखने को मिलेगा, अगर मैं बात करूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। बस जो बच्चे पहली बार आए, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। अब गाइस अगर हम लोग बात करें, आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी के SSC में जाना है, गोल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, गेट सब्सक्रिप्शन करना है। आफ्टर दैट गाइस आपको क्या करना है, आपको यूज करना है जो मेरा कोड है, दैट इज ANG11, और इसका यूज करने के बाद आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और गाइस अगर मैं बात करूं, जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं, वो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन प्रेफर करें, और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनकी बात करूं, तो उनके लिए 1 ईयर सफिशियंट है, ठीक है। तो आपको ये कोड यूज करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं 1 ईयर की फीस, और ये आप देख सकते हैं 2 ईयर की फीस, ठीक है। और याद रखना सारे बच्चे, इसमें आप टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सारा कुछ एसेस कर पाओगे, सब कुछ, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप JEE का प्रिपेयर कर रहे हो, आपका ब्रदर जो है वो CGL का प्रिपेयर कर रहा है, तो याद रखो गाइस, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको टेक, नॉन टेक और सारे फैकल्टी का कवर हो जाएगा। और गाइस अगर मैं बात करूं, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी इशू होता है, तो आप मुझे मैसेज कर दे सकते हो, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। तो और अगर मैं बात करूं गाइस, जब भी आप इस कोड को यूज़ करें, तो जस्ट पिंग मी, आई विल गाइड यू, ठीक है ना, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ से कवर करना है, कैसे करना है, सब कुछ। अब गाइस मैं आगे चलता हूँ, तो ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो गाइस, इसके थ्रू आप पे कर सकते हो, आपको EMI भी मिल जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस ये अगर हम लोग बात करें, जो बच्चे गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डाउट क्लियर कर सकते हो इंस्टेंट। अब गाइस अगर हम लोग बात करें, ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी SSC JEE का ऑफिशियल, यहाँ पे सारे एजुकेटर जो इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, आपको उनकी सभी PDF जो है, लेक्चर्स जो है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जो बच्चे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इस चैनल पे अभी पढ़ रहे हैं, जो है हमारा अनअकैडमी SSC JEE। बट गाइस सपोज करो, आपकी जो भी ब्रांच है, ये रिस्पेक्टेड जो चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी ब्रांच के हिसाब से, वहाँ पर भी आपको लाइव लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे।
तो गाइज अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और यहां पर ये यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो मैं सेशन लेता हूं ना, ये याद रखना गाइस, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मंडे टू सैटरडे आप अनअकैडमी पे आओ, और फ्री जो एक मैं लाइव लेक्चर लेता हूं मंडे टू सैटरडे, आज भी मैंने लिया है। और गाइस यहां पर जो डिस्कशन हो रहा है ना, ये बहुत ही हाई लेवल का है। लेवल हाई का मतलब क्या, यहां से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो किसी भी बच्चे को इस सेशन को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है गाइस, आप सबको टाइम नोट कर लेना है। और जितने बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हो यार, आप लोगों को क्या करना है, जो अनअकैडमी का जो आप अभी देख रहे हो ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पर मेरा अनअकैडमी का लिंक दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो आप लोग मुझको वहां से फॉलो कर लेना अनअकैडमी में, तो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। चलो गाइस अब हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हो, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, कोई भी बच्चा मुझसे आज थीम नहीं पूछेगा, क्योंकि जिसको थीम पूछना है गाइस, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं कहाँ पे, करेंट अफेयर्स के लेक्चर्स में। करेंट अफेयर्स में मैं ऑलरेडी आप लोगों को थीम्स पढ़ा रहा हूँ, ये स्टैटिक का लेक्चर है, बट यहाँ पर जो आप डेट पढ़ोगे ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, तो सारे बच्चे याद रखते हैं। शीतल अगर मैं बात करूं, संडे को मेरा एक क्लास होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर वहां पे मैं सॉल्व कराऊंगा, एसएससी जेई का रहेगा वो प्रीवियस ईयर का, और वो रहेगा आपका 12 PM पे। संडे को मेरा लेक्चर रहेगा 12 PM पे यूट्यूब पे, ठीक है। और अनअकैडमी का स्पेशल जो होगा, ये मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लान करता हूँ अनअकैडमी का संडे को 5 PM पे, अनअकैडमी का संडे को 5 PM पे स्पेशल देख लेंगे, और यूट्यूब पे अपन 12 PM पे प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेंगे, ठीक है। चलो तो गाइस अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि इसके पहले गाइस मैंने क्या कराया था, आपको सितंबर तक के नेशनल डे कवर करा दिए थे। अब मैं आगे जा रहा हूँ तो चलो गाइस शुरुआत कर लेते हैं सेशन को, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गाइस एक बात और याद रख लेना, आप लोग ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेते हो पर आप लोग स्टैटिक में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, बट याद रखना यहीं से पेपर आता है, क्योंकि आज का एग्जाम का पैटर्न ही हो गया कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक आपको देखने को मिलेगा कितना, 10 से 12 मार्क्स का, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं ना सिर्फ आपको डे बताऊंगा बल्कि मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। तो पहला हो जाएगा 8th of October को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 8th of October को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। और गाइस इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयर फोर्स डे, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस। क्यों? क्योंकि हमारी वायुसेना जो है, जो हमारी एयरफोर्स है, उसकी स्थापना हुई थी, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जैसा कि आप सारे बच्चे देख सकते हो। कभी हुआ था गाइस, तो आप मुझे खुद आंसर कर सकते हो, 8th of October 1932 को। और इसीलिए हर साल 8th of October को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। यस और नो सारे बच्चे, प्लीज इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 8th October इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स डे। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट डे कौन सा है हमारा, नेशनल पोस्ट डे या फिर नेशनल पोस्टल डे। ये हम सेलिब्रेट करते हैं गाइस कब, 10th of October को, 10th of October को। और इसको याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। हेलो हेमंत, आप लोगों को बात करें तो गाइस एक होता है वर्ल्ड पोस्ट डे, ध्यान देना थोड़ा सा, वर्ल्ड पोस्ट डे है ना। ये अगर हम लोग बात करें ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8th of October को गाइस। और 8th of October को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 1874 में, यूनिवर्सल पोस्टल संघ की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी 1874 में 9th अक्टूबर को, इसलिए इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे। और गाइस ठीक उसी के अगले दिन हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं गाइस, नेशनल पोस्ट डे। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। यहाँ पे थीम कवर नहीं करूंगा, थीम करूंगा करंट में। ये मैं एक आप लोगों के लिए जीएस बूस्टर दे रहा हूं, जो आपके स्कोर को अप करेगा बाकी लोगों से, क्योंकि एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, खत्म करो। यस और नो, तो चलो आगे देख लेते हैं गाइस। अब अगर गाइस मैं आप लोगों के साथ में बात करूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसको अपन ने क्या बोला, ITBP राइजिंग डे, इसको आप हिंदी में बोलोगे ITBP स्थापना दिवस। और गाइस ये आप कब मनाते हो, देखो एयरफोर्स आपने कब मनाया, 8th अक्टूबर, और 8 × 3 करोगे तो 24 अक्टूबर। यस और नो, तो 24 अक्टूबर को गाइस आप सेलिब्रेट करते हो, हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, ITBP डे, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस
फोर्स का जो अगर मैं बात करें इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है हमारी उसका स्थापना दिवस क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 24th of October 1962 में। गुड इवनिंग अनुपम, मीनू, प्रंकित, अतुल, आई होप यार आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्योंकि यार देखो मेरा यही उद्देश्य है इसको पूरा लाने का, दोबारा से मैंने इसको रिज्यूम किया है। और गाइज आई नीड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड कि आप लोगों को यार इसको शेयर करना है, ठीक है ना। जितना भी हार्ड वर्क हो सकता है मैं करूँगा, बट मैं चाहता हूँ यार इसको शेयर करो, इसको सपोर्ट करो यार, क्योंकि देखो मेरा भी मोटिवेट रहना इस लेक्चर में बहुत ज़रूरी है गाइस। जितना ज़्यादा मैं मोटिवेट रहूँगा मेरा और मन करेगा आप लोग के लिए अच्छी चीज़ें लेकर के आने का। और बिलीव मी गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। और ये सीरीज में मैं बहुत कुछ अच्छा लेकर के आऊँगा, जैसे कि पूरा का पूरा एक ऑपरेशन का लेक्चर ले आऊँगा, ऑपरेशन विजय क्या था, ऑपरेशन मेघदूत क्या था, ऑपरेशन पोलो क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इच एंड एवरीथिंग आई विल कवर हियर, ठीक है गाइस। तो देखो अब अगर हम लोग गाइस बात करें, हाँ जी शिला जी, शेखर, नेशनल यूनिटी डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइस। नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं गाइस? तो आप जानते हो 31 अक्टूबर को बर्थडे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और इनके बारे में एक बात और बता देता हूं, ये हैं इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखना ये इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी हैं, भारत के पहले गृह मंत्री भी यही हैं। और गाइस याद रखना इनके बर्थडे को हम लोग यूनिटी डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इन्होंने जो इंडिया की प्रिंसली स्टेट थे, जो इंडिया की देसी रियासतें थी, सबको भारत में मिला दिया, नहीं तो इंडिया एक बालकन कंट्री जैसा हालत हो जाता, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता, जैसे यूरोप के छोटे छोटे से मिल जाते हैं आपको, क्या एक पैर रखो तो दूसरा देश आ जाता है, समझ पा रहे हो। तो इंडिया को आज जो इंडिया देख रहे हो उस इंडिया को बनाने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना इनके बर्थडे को हम लोग मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको हिस्ट्री में इसकी इनके बारे में और बताऊंगा। और गाइस आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर हाइट की आपको मिल जाती है सरदार सरोवर, जो आपका डैम है, जो बांध है नर्मदा नदी पे, है ना, गुजरात में वहां पे। चलो गाइस नेक्स्ट मूव करते हैं 9th of November, 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है गाइस? इस दिन मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गाइस 9th ऑफ नवंबर 1995 को स्थापना हुई थी किसकी? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की। गाइस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या होती है? सपोज करो आप लोगों के पास पैसे नहीं, सपोज करो यस और नो आपके पास इनकम नहीं है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू आपको पैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको अच्छे लॉयर प्रोवाइड करा पाएंगे और आप अपना केस लड़ सकते हो। तो ये अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत बड़ा कदम था जो कि 1995 में लिया गया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का इस दिन स्थापना हुआ था, यस और नो? याद रखना राष्ट्रीय, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को, 9th ऑफ नवंबर 1995। तो इसलिए 9th ऑफ नवंबर को आप मनाते हो गाइस, क्या मनाते हो? नेशनल लीगल सर्विसेज डे, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग गाइस बात करें, अगला हाँ जी ज्योतिरादित्य आपने सही बोला भाई, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि 31 अक्टूबर है ना 2019 को ही क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गया था, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th नवंबर। अच्छा देखो 11 में एक और मैंने आपको पढ़ाया था 11th जुलाई, अगर आप बच्चों को याद आ रहा होगा तो मैंने आपको 11th जुलाई पढ़ाया था, और 11th जुलाई को मैंने पढ़ाया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यस और नो? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था नहीं, अभी वर्ड मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पर मैंने शायद बताया तो होगा, कहीं भी ना कभी तो मैंने आपको बताया होगा, करंट अफेयर में बताया होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। तो गाइस अगर मैं बात करूं 11th नवंबर को क्या है, 11th नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। अच्छा जो नेशनल वाले डे है ना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वर्ल्ड वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हैं, बट नेशनल वाले बहुत ज़रूरी, और इसलिए मैं नेशनल का आपको रीज़न भी बता रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि गाइस ये बर्थडे होता है इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे होता है और ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, यस और नो? हाँ
अब गाइस अगर मैं बात करूं शिलाजीत, जब मैं भाई वर्ड वाले बताऊंगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। 12 जुलाई को मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, मलाला डे। 18 जुलाई को मैंने क्या पढ़ाया था, सब बच्चे जानते हो यार, नेल्सन मंडेला डे। यस और नो, सब पढ़ाया हुआ है, बट अभी मैं इंडिया का डिस्कशन कर रहा हूँ। क्योंकि ये स्टैटिक का लेक्चर है गाइस, तो याद रखना मैं यहाँ पे थीम नहीं बताऊंगा, मैं वो सारे डेट बता रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है। अब देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में बात करें गाइस, मौलाना अबुल कलाम जी के बारे में बात करें, अबुल कलाम आजाद जी के बारे में बात करें, तो याद रखना इनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या पूछ लिया जाता है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यस और नो, सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर हो जाता है क्या, मौलाना अबुल कलाम आजाद। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। हां जी गाइस, याद रखना सारे बच्चे, और यही कांग्रेस के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी थे। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इन्होंने कभी भी पार्टीशन का सपोर्ट नहीं किया, तो इनके बर्थडे को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा, 16th ऑफ नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रेस डे। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मेरा काम है आपको बताना। देखो, एक होती है प्रेस काउंसिल, क्या होती है गाइस, प्रेस काउंसिल। और ये जो प्रेस काउंसिल है, ये बनाई गई थी 4 जुलाई 1966 को, 4th ऑफ जुलाई 1966 को बनाई गई थी। बट गाइस, इसने स्टार्ट किया था वर्क करना कब से, 16th नवंबर 1966 से। आप देखो, बनाई कब की गई, 4 जुलाई है ना, 4th ऑफ जुलाई 1966 को ये बनाई गई, बट इसने वर्क करना कब से चालू किया, 16th ऑफ नवंबर 1966 से। यस और नो, और इसीलिए गाइस 16 नवंबर को, 16th नवंबर को आप नेशनल प्रेस डे मनाते हो। यस और नो, चलो नेशनल प्रेस डे हो गया, जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको स्टार लगा दे रहा हूं। अब ये आ गया आपका चिल्लर डे, ये आ गया है आपका चिल्लर डे। 14th ऑफ नवंबर को आप बोलते हो नेशनल चिल्ड्रंस डे, है ना, आपको इसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, बाल दिवस। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को नहीं पता होगा। ये किसका बर्थडे होता है, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री, और इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गाइस, इन्हीं के बर्थडे को मनाया जाता है क्या, नेशनल चिल्ड्रंस डे। ऐसा बोला जाता है कि बच्चों से इनको बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था। और यहीं पर गाइस मैंने आपके लिए लिख दिया है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं, 20th नवंबर को, 6 दिन बाद। ये कब मनाते हैं गाइस, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद ये मनाते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तेजा पंडित, एवरीवन गाइस, ठीक है ना। चाचा नेहरू, बिल्कुल JLN, बिल्कुल बिल्कुल। चलो गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं अगला, तो अगला इंपॉर्टेंट है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। देखो, आप सारे बच्चे जानते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब लिख करके तैयार हुआ, या हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया। मैंने पढ़ाया है ये सब, आप अगर मेरा पॉलिटिकल जो सीरीज है वो देख रहे हो तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिख करके तैयार हो गया, लागू कर लिया गया था कब, 26th of November 1949 को। यस और नो, हमारा संविधान कब अपना लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए 26 नवंबर को, 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। और आप जानते हो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगस लीगम। इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि लीगस लीगम एक लैटिन वर्ड है, जिसमें मैंने बताया था कि जो भी लॉ बनता है, जो भी कानून बनता है, वो कहां से निकलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो निकलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे लॉ बनते हैं देश में। और इसी दिन को आप क्या मनाते हो, नेशनल लॉ डे। क्या मनाते हो, नेशनल लॉ डे। और गाइज याद रखना, ये जितनी भी बातें हैं इनको इग्नोर मत करना, नहीं तो आप सिलेक्शन में इग्नोर हो जाओगे, क्योंकि यही चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, देखो गाइज, मैं वो करा रहा हूँ जो आपके काम की चीजें हैं, याद रखना। 26 नवंबर अगेन इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप लोग को पढ़ाया था ज्योग्राफी में एक बंदे के बारे में, मिस्टर वर्गीज कुरियन। मिस्टर वर्गीज कुरियन, इनके बारे में बात करूं तो इन्होंने ही स्थापना की थी किसकी बताओ, अमूल की, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की थी, मैंने आपको पढ़ाया था। यस और नो, इसको मैं थोड़ा सा हाइड करता हूं अपने आप को, तब आपको दिख जाएगा। और गाइस, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के ये जनक कहे जाते हैं गाइस। और अगर हम लोग बात करें तो याद रखना, इन्होंने ही 1970 में चलाया था क्या, ऑपरेशन फ्लड, इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड चलाया था। और ऑपरेशन फ्लड के बाद से
इंडिया में जो मिल्क का प्रोडक्शन है, जो दूध की उत्पादन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बिल्कुल गाइज, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये स्ट्रैटेजी की अच्छा नहीं लग रहा है यार। आप लोग को लगता है क्या कि ये मुझे नहीं करना चाहिए गाइज? क्योंकि मैं यार करूँगा, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। सारे बच्चे ध्यान देना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, डू सपोर्ट दिस। अब याद रखना, नवंबर में, यानी कि नवंबर के महीने में अगर हम लोग गाइज बात करें क्या क्या मनाया जाता है, कौन कौन से स्टेट का स्टेटहुड मनाया जाता है, यानी कि स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ये भी हम लोग यहीं पे कवर करेंगे गाइज। देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यस और नो, ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं इसलिए मैंने सबसे पहले इन दोनों की बात कर दी, है ना। 1 नवंबर को इन दोनों का स्टेटहुड है। तमिलनाडु देख लो, साउथ का अगर हम लोग बात करें सबसे फेमस स्टेट हमारा केरला देख लो, यस और नो, केरल देख लो, कर्नाटक देख लो, और यहाँ पर फिर से देखो पंजाब और हरियाणा। तो अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो आप कर सकते हो। देखो कैसे, याद रखो कैसे, नीलगिरी माउंटेन कौन कौन से स्टेट में मिलता है? नीलगिरी माउंटेन मिलता है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ध्यान दो सारे बच्चे, नीलगिरी माउंटेन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ पे देख लो, कर्नाटक भी है या नहीं है, तमिलनाडु भी है और केरल भी है, तो याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको पता ही है, दोनों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, तो बताओ 1 नवंबर याद होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा यार, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, फालतू की ट्रिक मत लगाना, यस और नो। उत्तराखंड बना था कब? 2000 में। तो उत्तराखंड का स्टेटहुड डे होता है 9th ऑफ नवंबर। अब गाइस हम लोग बात करें, झारखंड भी बना था वैसे तो 1 नवंबर को, पर झारखंड के जो बहुत ही फेमस ट्राइबल लीडर हैं, अगर मैं बात करूं आदिवासी नेता जिनका नाम था मिस्टर बिरसा मुंडा, इनका बर्थडे होता है 15 नवंबर को, और इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड सेलिब्रेट करता है क्या? अपना स्टेटहुड डे, ठीक है ना। और रागिनी पांडे जी, आपको जीके पसंद नहीं है बेटा अभी, लेकिन याद करो एग्जाम के लिए तो जरूरी है ना। और अगर आपने मेरी बाकी भी क्लासेस देखी होंगी तो आई होप आपको यार लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। हाँ जी सागर, करना चाहिए। शिला जी, हिमाद्री, बिल्कुल हाँ जी, बहुत जरूरी है। अमित है ना, तो रागिनी जी एक बार मुझे बताएं आपने मेरे बाकी लेक्चर देखे हैं? ये तो बेटा मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँ, छोटे लेक्चर ही लूँगा इसमें, हर हफ्ते में एक ही लाऊंगा, ठीक है ना। पर मैं, मुझे लाने दो गाइस, और डू सपोर्ट दिस, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन कैसे आता है देखो, आप सभी बच्चों को पता है ठीक है ना, ठीक है। हाँ तो मुझे आप फॉलो करो गाइस, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं ना वो जीएस में अच्छा कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों के सामने ही बोल रहा हूँ, बच्चे बेटा झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लेक्चर में बच्चे ज़्यादा आते हैं, इस लेक्चर में ज़्यादा कम बच्चे, बहुत कम है, पर कोई बात नहीं यार, मेरा काम है अच्छा कंटेंट देना, ठीक है ना। नहीं बेटा वादी, अगर हम लोग बात करें, ज्योग्राफी होता है मंडे टू फ्राइडे, मैंने शेड्यूल रखा है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी, तो गाइस बात करते हैं क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप सबको याद है, सबको याद है कि नहीं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये हर एग्जाम में कुछ दिन बाद पूछ ली जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी बताओ? 2 दिसंबर 1984 को, और कौन सी गैस के चक्कर में हुई थी, ये भी एग्जाम में आता है। आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ, हाँ जी बिल्कुल शेखर, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो गाइस हुआ क्या था, 2 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यस और नो, और उस दिन को हम लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान गवाई, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, जिन लोगों ने अपनी जान गवाई, समझ पा रहे हो, उनके लिए, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। वेरी गुड गाइस, बहुत सही जा रहे हो। जो गैस थी उसका नाम क्या था? मेथिल आइसोसाइनेट, यस और नो, सारे बच्चे एकदम करेक्ट जा रहे हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यस और नो। हाँ, और ये क्वेश्चन आता है, आप में से जो बच्चा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाता है वो मुझे कमेंट करके बताए कि क्या उसने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा है या नहीं देखा, एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताओ। ये गैस निकली थी, यस और नो, बिल्कुल यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, डन चलें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करें मेथिल आइसोसाइनाइड के बारे में बात करें गाइस, तो याद रखना सारे के सारे बच्चे, ठीक है, ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूं ये यहां पे मैं लिख देता हूं भोपाल गैस ट्रेजेडी के पास में, ताकि आप लोग को ये गैस याद रहे, ठीक है ना सारे बच्चे। ठीक, यहां पे यार देखो
बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, धीरे धीरे पढ़ो यार, टेंशन मत लो बस। अरे यार इसको क्या हो गया। हाँ जी हाँ जी, देखो बहुत आराम आराम से पढ़ना है सारे बच्चे, बहुत आराम से पढ़ना है सारे के सारे बच्चे, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है ना। ठीक है डन। तो गाइस सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। अगर मैं बात करूँ गाइस इंडियन नेवी की, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन नेवी के बारे में बात करूँ, इंडियन नेवी की बात करूँ, 4 दिसंबर को क्या हुआ था देखो, इस दिन हम लोगों ने चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, 1971 की बात है। इस दिन हम लोगों ने क्या चलाया था, ट्राइडेंट, यस और नो? हाँ जी। अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन ट्राइडेंट ये क्या था, सुनो, इस दिन हमारी जो नेवी है, जो हमारी, देखो एयरफोर्स डे कब था, 8th ऑफ अक्टूबर। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एयरफोर्स डे कब था, 8th ऑफ अक्टूबर। हाँ जी दिसंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, मैं आपको बताता हूँ। इस दिन हम लोगों ने क्या चलाई थी, एंटी शिप मिसाइल। अरे यार आज मेरा ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एंटी शिप मिसाइल। हम लोगों ने पाकिस्तान के शिप को उड़ा दिया था। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंडियन नेवी ने बहुत अच्छा काम किया था, और याद रखना कि इसी की मदद से, अगर मैं बात करूँ इंडियन नेवी की मदद से, हम लोग 1971 का वॉर जीत पाए थे। तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं गाइस, तो याद रखना है कब मनाते हैं, 4th ऑफ दिसंबर और 8th ऑफ अक्टूबर को आपने क्या देखा था गाइस, अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स का देखा था, यस और नो? अगर जिस बच्चे को लग रहा है कि सर याद नहीं आ रहा, तो देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, फटाफट देखो, ये देखो कहां गया, सारे बच्चे देखो 8th ऑफ अक्टूबर, ये देखो इंडियन एयरफोर्स, और आप देखो 4th ऑफ दिसंबर को क्या दिख रहा है गाइस, अगर आप लोग देखो तो नेवी, कहां गया, ज़्यादा आगे आ गया। हाँ डन। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे, ये आप कब मनाते हो, 7th दिसंबर को। कब मनाते हो, 7th दिसंबर को। हाँ जी गाइस 7th दिसंबर को। हाँ जी, तो याद रखना 7th दिसंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि गाइस इस दिन हम लोग आर्मी के लोगों के लिए जितना हमसे हो सकता है हम लोग फंड इकट्ठा करते हैं, ठीक है, थैंक यू गाइस, है ना। इस दिन हम लोग आर्मी के लोगों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, तो इसी दिन को गाइस अगर हम लोग बात करें याद करने के लिए, क्या मनाते हैं हम लोग, इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे, याद रखना सारे बच्चे। तो ये अभी अगर आप लोग देखो तो हम लोग कौन सा मंथ कर रहे हैं, दिसंबर मंथ कर रहे हैं। अब एक देखो, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, कभी कभी पूछ लेता है ये, और अगर आप लोग याद रखो तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आप ऐसे याद कर सकते हो, चिल्लर डे कब मनाते थे, जवाहरलाल नेहरू जी का जो बर्थडे था उस दिन हम लोग चिल्लर डे, यस सर नो, मैं चिल्लर डे बोलता हूँ, ठीक है। तो बात करें जवाहरलाल नेहरू जी का जो बर्थडे है उससे ठीक एक महीने बाद याद रखना क्या मनाते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो आप ऐसे याद करो कि जो बच्चे हैं वो अपनी एनर्जी बचा करके रखते हैं, कब, एक महीने बाद के लिए। और एक्चुअली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि गाइस अगर हम लोग बात करें ना तो हमारे कंट्री में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है, और हम चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखें। सारे बच्चे क्या ये याद हो जाएगा, क्या सारे बच्चों को ये याद हो जाएगा, बिल्कुल शुभम, सब चीज़ का पीडीएफ मिलता है भाई, मैं एक एक लेक्चर का पीडीएफ देता हूँ, चाहे मैं स्पेशल पे लूँ चाहे मैं यहाँ पे लूँ, हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलता है, ठीक है। ओके रिया कुमारी जी, अगर मैं बात करूँ एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे, ब्लिसफुल बर्थडे मैं बोलूँगा। अगला वाला ध्यान देना, विजय दिवस क्या है या फिर विक्ट्री डे क्या है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है और मैं कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म कर दूंगा। 16 दिसंबर क्यों, क्योंकि गाइस 16th ऑफ दिसंबर को हमने पाकिस्तान को हरा दिया था 1971 की वॉर में हमने पाकिस्तान को हरा दिया था, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा डाउट, और इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, दोनों में डिफरेंस है, इस दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस या फिर कारगिल विजय डे। तो ये जब अगर आपको सिर्फ विजय डे या फिर विक्ट्री डे लिखे तो आपको आंसर क्या देना है गाइस, आपको आंसर देना है ये वाला 16th ऑफ दिसंबर, पर अगर आपको कारगिल विजय डे दे दे तब आपको आंसर क्या बताना है गाइस, 26th ऑफ जुलाई, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था 1999 में,
इसी दिन हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था, कारगिल विजय दिवस। ओके गाइस चलें। हाँ जी सारे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। अब गाइस अगला देख लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट यार, और ये इंडिया की शान है। अगर हम लोग बात करें नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस, ये हम मनाते हैं 22nd of December को। 22nd of December को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम था मिस्टर श्रीनिवास रामानुजन, मिस्टर श्रीनिवास रामानुजन इनका बर्थडे होता है, मिस्टर श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे होता है, ठीक है ना? तो आप सबको याद रखना है। अगला वाला फिर इंपॉर्टेंट है, नेशनल फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर्स डे, भारतीय किसान दिवस कब मनाते हैं गाइस? बहुत ही फेमस अगर बात करें किसान नेता थे, अगर मैं बात करूं फार्मर लीडर हुआ करते थे मिस्टर चौधरी चरण सिंह, ये हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे को मनाते हैं हम लोग क्या? तो हम लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं फार्मर्स डे के नाम से, फार्मर्स डे के नाम से। हाँ जी हाँ जी, शकुंतला द बुक ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्कुल रिया कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं शेखर भाई, तो मैं फरवरी वगैरह करा चुका हूं, ये जो सीरीज है ना जीएस बूस्टर, ये इसका 10th लेक्चर है। यस और नो, बट गाइज मैं चाहता हूं यार इसको सपोर्ट करो आप लोग, इस सीरीज को अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज आपको उतना ही ज्यादा फायदा देगी जो मेरा 2 PM में जो लेक्चर होता है ना, वो इसमें मैं बहुत कुछ डाल दूंगा जो आपके जीएस को एक अलग लेवल तक लेकर के चला जाएगा, ठीक है? तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। चलो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे, ध्यान रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो देखो सारे बच्चे, ये आप सेलिब्रेट करते हो कब? 24th December को। ये आप सेलिब्रेट करते हो कब? 24th December को। अब देखो गाइस इसको आप लोग ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान दो, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे, चिल्लर डे कब मनाते हैं अपन लोग बताओ? 14th of November, ठीक है? एक महीने बाद एनर्जी, एक महीने बाद एनर्जी, ठीक है ना? और जिस दिन आपने एनर्जी को कंजर्व किया, एनर्जी को कंजर्व किया, एनर्जी का संरक्षण किया, उसके ठीक दस दिन बाद आपको देखो क्या दिख रहा है गाइस, उसके 10 दिन बाद नेशनल कंज्यूमर डे, आप लोगों ने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो इसी दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो गाइस ये ईयर याद रख लेना, ये एग्जाम में आता है, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम कब आया था? 1986। और अगर गाइस मैं बात करूं ये किस दिन इसको राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन कर दिया था, राष्ट्रपति ने इसके ऊपर रजामंदी दे दी थी, तो वो दिन था 24th of December 1986। दैट्स व्हाई नेशनल कंज्यूमर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24th of December को। आई होप यार आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। देन है गाइस ये देखो, 25th December को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, इसको हिंदी में क्या बोलोगे? सुशासन दिवस। क्यों? हम लोगों के जो सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, यस और नो, आप सभी लोग उनको जानते हो, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारत रत्न भी हैं, यस और नो, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन जो भारत रत्न भी है, उस दिन क्या होता है, उनका बर्थडे होता है और उसको हम लोग मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में, ठीक है ना? थैंक यू गाइस, थैंक यू शिला जी, ठीक है, चलो तेजा एवरीवन गाइस, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस दिन बर्थडे होता है, ठीक है ना? उस दिन इनका बर्थडे होता है। और गाइस जितने बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग के सीरीज के लेक्चर नहीं देखे वो देखो, आपको बहुत हेल्प करेगा गाइस, बहुत हेल्प करेगा गाइस। अब बात करें नागालैंड, नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड का स्टेटहुड डे कब है? 1st December को। नागालैंड का स्थापना दिवस कब है? 1st December को। तो गाइस ना सिर्फ मैंने आपको डेज कराए हैं इंडिया के, बल्कि मैंने आपको स्टेटहुड भी करा दिया है, स्थापना दिवस भी करा दिया है। तो गाइस यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट जितना भी नेशनल डे था सब खत्म, जितना इंपॉर्टेंट नेशनल डे था सारा का सारा मैंने खत्म कर दिया। बिल्कुल बीजेपी के फाउंडर पोखरण वाले, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अब गाइस मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल। अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है
कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे मालूम है। तो इंटरनेशनल डे मैंने सिर्फ एक मंथ का डाला है, 11 मंथ का आज नहीं करा है, 11 मंथ का मैं नेक्स्ट सैटरडे को करा दूंगा, यस और नो। और इस तरीके से आपके सारे डे कवर हो जाएंगे और आप अपना पेपर उठा करके देख लेना, किसी भी एग्जाम का डे वहीं से आता है जो मैंने नेशनल कराए हैं एज वेल एज गाइज जो मैंने इंटरनेशनल कराए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं तेजा पनीत भाई, जो 1 दिसंबर है वो हम लोग कवर करेंगे, वर्ल्ड एड्स डे वो हम लोग इंटरनेशनल डे में कवर करेंगे। मैंने आपको नेशनल करा दिए, अब मैं आपको किसके बारे में बात करूंगा, इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल में आएगा भाई 1 दिसंबर जो वर्ल्ड एड्स डे होता है, सारे बच्चे याद रखो। हाँ बिल्कुल, सबको पीडीएफ मिलेगा भाई, ठीक है, अनअकैडमी एसएससीजे चैनल पर सबको मिल जाएगा। तो गाइज याद रखो, मैं अगर बात करूं इंटरनेशनल वाले पे कराऊंगा भाई, देखो सारे बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, अभी मैंने नेशनल करा दिए, अब जो आप लोग सुनते हो ना, जैसे कि अभी आपने बोला वर्ल्ड एड्स डे, यस और नो, वर्ल्ड कैंसर डे, ये सब कुछ अब आएगा, अभी मैं नेशनल करा रहा था। और एक बात और सुन लो गाइस, नेशनल वाले का मैंने बहुत डिटेल में कराया, रीजन बताया, यहां पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पर आपको बस इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलें आगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे बस बने रहो, आ जाओ। जनवरी का स्टार्ट करते हैं और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट रखे हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाते हो, 4th ऑफ जनवरी को। कब मनाते हो गाइस, 4th ऑफ जनवरी को, ठीक है। क्यों मनाते हो, क्योंकि आपने पता है जो ब्लाइंड लोग होते हैं, यस और नो, उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज जो है, जो ब्रेल आपने जानते हैं, जो ब्रेल लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, लिखते हैं चीज़ों को, तो उसके इन्वेंटर है कौन, मिस्टर लुईस ब्रेल, यस और नो, मिस्टर लुईस ब्रेल। तो जो लुईस ब्रेल हैं उनका अगर गाइस हम लोग बात करें, इस दिन क्या होता है, बर्थ एनिवर्सरी है, इनका बर्थडे मनाया, इनका बर्थडे होता है 4th जनवरी को, और इसीलिए गाइस याद रखना 4th जनवरी को हम लोग ब्रेल डे के, ब्रेल वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आप सभी जानते हो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। शीतल अगर मैं बात करूं, मैंने इंटरनेशनल डे में बस आज जनवरी का ही रखा है, क्योंकि अगर मैंने पूरा कवर कर दिया ना बेटा तो दिक्कत होगी, बट हाँ जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इंटरनेशनल पूरा करा दूंगा, नेक्स्ट वीक में इंटरनेशनल डे आपका पूरा हो जाएगा, बस आज मैंने पूरा जानबूझ करके नहीं लिया बेटा, बहुत ज़्यादा मत करो, आखिरी जो होगा उसमें पूरा इंटरनेशनल कवर कर देंगे। बेटा आवाज़ तो आनी चाहिए यार, सत्य में यार, ऐसा मत बोलो, आवाज़ तो मेरी आ रही होगी, नहीं आ रही तो बेटा बता दो, ठीक है ना, नहीं आ रही हो तो बता दो मुझे। सर नोट कर रहा था, हाथ दर्द हो गया, रहने देता हूँ, पीडीएफ में मिलेगी ना सारी, पीडीएफ में तो भाई बिल्कुल मिलेगी, बट आप लोग भी अपने नोट ज़रूर बना, सारे मिलेंगे। चलो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के बारे में गाइस हम लोग बात करें तो ये आप कब मनाते हो, 24th जनवरी को। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो देखो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था, बट ये वाला गाइस मैं खुद आपको बोल दूं तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको ये ब्रेल डे वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैं इंटरनेशनल पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे नए उनको बता दूँ मैं नेशनल पूरे खत्म कर चुका हूँ, तो आप लोग पुराने लेक्चर भी देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब गाइस आप लोग को याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें हिटलर ने बहुत सारे जू लोगों को, यानी कि यहूदी लोगों को मारा था, तो उनकी याद में क्या मनाया जाता है, उनकी याद में क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। ये होलोकॉस्ट वही है गाइस, जो बहुत सारे जू लोगों को मारा गया था हिटलर के द्वारा, उन्हीं की मेमोरी में हर साल 27 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट, ठीक है ना। ओके भाई ओके, ठीक है सारे बच्चे यार, बस अगर बात करूँ, अब देखो मेरी बात ध्यान से, जनवरी में इंटरनेशनल है, बस ये 3 करने, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें गाइज मैं आपका पूरा इंटरनेशनल कवर करा दूंगा, ठीक है ना, नेशनल मैंने पूरा कवर करा दिया है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो अब मुझे आप बात कर सकते हो, मैंने आपको लगभग वो सारी बातें बता दी हैं जो आपके काम की हैं, ठीक है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो अब। हाँ जी पनीत भाई, अगर मैं बात करूँ तो आप इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट होगी जीएस बूस्टर के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको 9 लेक्चर और मिलेंगे। आप अपना देखना इसमें, इसी चैनल में जीएस बूस्टर सर्च मार लेना, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना, इसमें सब कुछ है, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ शीतल, मैं नेक्स्ट जो होगा ना, मैंने पीपीटी मैंने जनवरी तक ही बनाई है, और मैं जानबूझ के ये पीपीटी से कवर कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए, नेक्स्ट क्लास में पूरे डे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना।
ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई यूरोप में हुआ था, तेजा पंडित भाई उन्होंने यूरोप में क्या किया था, हिटलर ने सारे लोगों को मारा था, जो यहूदी हैं जितने भी उनको मिल रहे थे उन सबको मारा था। और गाइस आपको बता दूं, जो आप लोग देखते हो ना क्या आपका ये स्विस बैंक जिसमें लोगों की आइडेंटिफाई नहीं बताई जाती, तो वहीं पर जो जू लोग थे ना वो अपने पैसे जमा करते थे, और जानबूझ करके ये बैंक बनाया गया कि जू लोगों की जो है आप बोल सकते हो गाइस उनकी आइडेंटिटी को छुपाया जाए, इसलिए बनाया गया था स्विस बैंक, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। अगर मैं गाइस प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो कल देखो मेरी बात को सारे बच्चे सुनो, कल 12 PM पे संडे को आपका एक सेट होगा मेरा प्रीवियस ईयर का, जिसमें आप लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, यहीं यूट्यूब पे कवर करेंगे। और कल मैं एक स्पेशल क्लास रखूँगा, पर जो कल स्पेशल क्लास रहेगी उसमें आपसे कैबिनेट के MCQ कराऊँगा, ठीक है गाइस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सब कुछ करा रहा हूँ मैं, मैंने आप लोग को पूरा अपना टाइम टेबल दिया था, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं आपको और एक बार दे दूंगा, ठीक है। चलो तो गाइस अब हम लोग कब मिलेंगे, तो अभी हम लोग 7 PM पे मिलेंगे प्लस में, और जिन बच्चों ने प्लस में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है गाइस आओ, और आपको मज़ा आएगा वहाँ पे बहुत, और आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे बढ़ा पाओगे। और जब भी आप प्लस में आओ तो गाइस यूज़ दिस कोड दैट इज़ ANG10, और जब भी आप यूज़ करो गाइस या फिर कोई भी इशू आया तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, दिस इज माई नंबर, ठीक है। और मेरा कोड सबको याद रखना है, दैट इज ANG10, और अनअकैडमी के सारे कोर्स में अवेलेबल होगा। और जो बच्चे न्यू आए हैं वो चैनल को क्या कर सकते हैं गाइस, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर लेक्चर्स मेरे अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताओ, बेटा टेंशन मत लो, जो ऑबिश्योरी है वो सारे मैं करा ही रहा हूँ करंट अफेयर में, है ना, तो करंट अफेयर को फॉलो करते रहो, कोई इशू नहीं होगा। तो चलो गाइस हम लोग मिलते हैं 7 PM पे, थैंक यू।